हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आईडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास ट्वेल्थ के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, चलिए ये वीडियो का पार्ट नंबर टू है। पार्ट वन नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर थ्री का सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करना है। तो बस इसको हमने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ कितना दिया है भाई, तो कॉस टू एक्स, कॉस फोर एक्स, फिर कॉस सिक्स एक्स हमने लिख दिया इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे हमें क्या करना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, एक सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो देखिए हम लिख देते हैं सूत्र टू कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर। सूत्र क्या कहता है, कॉस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक, तो यही सूत्र हम लगा देंगे। चलिए सूत्र लगाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो से गुना, दो से भाग करेंगे। पहले दो से भाग कर लेंगे और दो से गुना करेंगे, तभी तो ये सूत्र लगेगा। चलिए हमने दो से गुना, दो से भाग कर दिया, तब यहाँ से दोस्तों यहाँ तक यहाँ पे सूत्र लगे, टू कॉस ए इंटू कॉस बी। ए के स्थान पे टू एक्स हो गया, बी के स्थान पे फोर एक्स हो गया। ठीक है, तो क्या लगेगा, कॉस ए प्लस बी करना है। तो कॉस ए प्लस बी कैसे होगा, तो ये देख, ए के स्थान पे टू एक्स है, बी के स्थान पे फोर एक्स है, तो दोनों को एक बार ऐड करके लिखना है। तो कॉस चार, दो और चार कितना हो जाएगा, छ एक्स। फिर क्या करना है, प्लस फिर उसके बाद में कॉस ए माइनस बी, यानी दो एक्स में से चार एक्स घटेगा तो कितना आएगा, माइनस टू एक्स आएगा। हो गया, चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, इंटू छ कॉस सिक्स एक्स लिखा है डी एक्स। ठीक, उसके आगे आप क्या, आपको क्या करना है, तो एक बटे दो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉस सिक्स एक्स हो गया। ठीक, और ये प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस थीटा ख़त्म हो जाता है क्योंकि सूत्र होता है। देखिए हम लिख देते हैं कॉस माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, ये सूत्र आप याद रखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दिए। तो देखिए ये माइनस खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कॉस सिक्स एक्स लिखा है, डी एक्स है तो डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक बटे दो कॉस सिक्स, कॉस सिक्स कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स। ठीक, प्लस में है कॉस टू एक्स इंटू कॉस सिक्स एक्स इंटू कॉस सिक्स एक्स हमने लिख दिया, डी एक्स है तो डी एक्स। ठीक है, आगे हम इसको दो पार्टों में तोड़ देंगे, एक बटे दो यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स, डी एक्स है तो डी एक्स, प्लस एक बटे दो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस टू एक्स इंटू कॉस सिक्स एक्स, ये हमने लिख दिया और डी एक्स लगा दिया। ठीक, चलिए ये तो हमने लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे तो एक फार्मूला लगेगा, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, कॉस स्क्वायर थीटा का। कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, वन माइन वन प्लस कॉस टू थीटा बटा टू, ये फार्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, चलिए लगाते हैं, एक बटे दो कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉस टू थीटा कॉस और टू थीटा, टू और थीटा में गुणा, तो छः गुना कितना हो जाएगा, बारह एक्स, बटा में टू है तो बटा में टू, डी एक्स है तो डी एक्स। ओके, प्लस एक बटे, हम यहाँ पे दो से गुना दो से भाग कर लेंगे, पहले से दो से भाग है और दो से फिर करेंगे तो दो दुना चार हो जाएगा, और इसमें दो से गुना करेंगे, ठीक है ना, दो से गुना दो से भाग करेंगे तो ये फार्मूला में फिर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा क्या फार्मूला आ जाएगा वो हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे अब हम इसको दो पार्टों में चाहेंगे तो तोड़ लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दो पार्टों में, तो एक बटे यहाँ पे दो और एक बटे दो कितना हो जाएगा, एक बटे चार, और यहाँ पे क्या बचेगा, डी एक्स। ठीक है, प्लस इसमें भी दो से भाग है और यहाँ से दो, तो दो दुना कितना हो जाएगा, चार, एक बटे चार, और यहाँ पे क्या है, कॉस बारह एक्स। ठीक है, डी एक्स हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे एक बटे चार है, एक बटे चार, और यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा, कौन सा फार्मूला, देखिए टू कॉस ए इंटू कॉस बी, टू कॉस ए इंटू कॉस बी
क्या लगाए थे, कॉस ए प्लस बी, एक बार थीटा वाला को जोड़ देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, प्लस बीच में लगा देंगे। चलिए वही करना है, एक बार छः, दो और छः कितना हो जाएगा, कॉस आठ एक्स हो जाएगा, ओके। प्लस एक बार माइनस करना है तो दो में से चार छः घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस चार एक्स, ठीक है, डी एक्स, ओके। आगे बढ़ चलेंगे, इस पूरे में हो गया डी एक्स, ओके, यहाँ पे डी एक्स है पूरे में। अब चलिए आगे बढ़िएगा दोस्तों, तो यहाँ पे इसको अभी रहने देते हैं, एक बटे चार डी एक्स है तो डी एक्स एक बटे चार, और यहाँ पे कितना है, कॉस बारह एक्स डी एक्स प्लस एक बटे चार, और इसको हम तोड़ लेंगे चाहेंगे तो, ठीक है, तो तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस यहाँ पे आठ एक्स है तो कॉस आठ एक्स लिख देंगे, ओके। ये प्लस ये माइनस खत्म हो जाएगा चूँकि सूत्र होता है, और यहाँ पे एक बटे चार, इसमें भी यहाँ पे डी एक्स लगा ले, दो पार्टों में तोड़ देते हैं, एक बटे चार इसमें भी होगा तो एक बटे चार प्लस में, और क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस फोर एक्स माइनस थीटा खत्म हो जाएगा, चूँकि हमने एक सूत्र लिखा है कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस और सेक अगर माइनस में हो तो उसका माइनस खत्म कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ तक ले हो गया, अब आगे इसको बढ़ाना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे एक बटे चार, ओके, और यहाँ पे डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा एक बटे चार, कॉस का क्या हो जाएगा साइन, और यहाँ पे बारह एक्स है तो बारह एक्स, और जो सटा है एक्स में वो बटा में जाएगा, प्लस यहाँ पे एक बटे चार है तो एक बटे चार, और यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस आठ एक्स है तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स, कितना है आठ एक्स है तो आठ एक्स, बटा में कितना हो जाएगा आठ, प्लस फिर यहाँ पे आइए तो एक बटे चार है एक बटे चार, फिर यहाँ पे कॉस है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा साइन, चार एक्स है तो चार एक्स, बटा में कितना हो जाएगा चार प्लस सी, ओके। अब इसको थोड़ा एक लाइन सजा देना है, अब दोस्तों इसको कैसे सजाएंगे, तो यहाँ पे लिखा है एक बटे चार एक्स है तो एक्स, ओके, उसके बाद में यहाँ पे क्या है एक बटे चार, तो चार बारह में चार से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बारह चौका अड़तालीस, और यहाँ पे क्या लिखा है साइन, यहाँ पे ऊपर बारह एक्स लिखा है तो बारह एक्स, बारह एक्स प्लस यहाँ पे आठ चौके कितना हो जाएगा बत्तीस, तो एक बटे बत्तीस, आठ एक्स लिखा है साइन तो आठ एक्स, फिर प्लस तो प्लस, और यहाँ पे क्या करना है दोस्तों एक बटे चार चौके कितना हो जाएगा सोलह, फिर कितना हो जाएगा साइन चार एक्स है तो साइन चार एक्स प्लस यहाँ पे सी है तो सी, ओके। अब देखिए यहाँ तक ले तो आपको समझ में आ गया, आगे इसको बढ़ाना है तो हम चाहेंगे तो इस सब में से कॉमन काट सकते हैं, तो चलिए इसको सजा लेते हैं, देखिए कैसे सजाएंगे, तो ये तो ठीक है एक बटे चार एक्स, अब इसके बाद में हम कौन सा लेंगे, चलिए ये वाला एक बटे सोलह प्लस एक बटे सोलह चार एक्स लिखा है तो चार एक्स साइन चार एक्स सॉरी साइन चार एक्स लिखा है साइन फोर एक्स प्लस एक बटे ये तो हो गया, उसके बाद हम लिख देंगे ये वाला एक बटे बत्तीस साइन आठ एक्स प्लस एक बटे अड़तालीस साइन कितना है बारह एक्स प्लस सी, तो यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये इसका सोल्यूशन कंप्लीट हुआ, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों कितना, तो फोर, देखिए फोर का कैसे सोल्यूशन हम करेंगे, तो देखिए बिल्कुल आसानी तरीके से हम लोग करेंगे सवाल को, ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, तो इसको भी हम हल लिख देंगे, ओके, लिख देंगे आई इजकल टू साइन क्यू टू एक्स प्लस वन डी एक्स, ओके। इसको हम एक ए यहाँ पे क्यू थीटा वाला फार्मूला काम करें, कौन सा फार्मूला, तो साइन क्यू थीटा का फार्मूला दोस्तों होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा बटा बटा कितना हो जाता है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर का सोल्यूशन करेंगे उसी तरह से, लिख देंगे हल, ठीक, हल लिखने के बाद लिख देंगे आई इजकल टू साइन क्यू टू एक्स प्लस वन डी एक्स, ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा का होता है थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा
बटा हो, ये इसका सूत्र हो गया। इसी सूत्र पर इसको तोड़ देंगे हम, तो थ्री डी साइन थीटा, थीटा के स्थान पे क्या है 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 थीटा, तो 3 और थीटा के स्थान पे क्या था 2x प्लस 1 था, और बटा में कितना भाई तो 4, dx है तो dx। आगे बढ़ाना है इसको, तो आगे कैसे करेंगे, इसको 1/3/4 को हम बाहर ले लेते हैं, ओके। और यहाँ पे साइन 2x प्लस 1 dx, फिर कितना है माइनस 1/4 यहाँ पे साइन, इसको गुना कर दीजिए 3×6x प्लस 3 dx हो गया, ठीक है 3×3 हो गया, 3×6x हो गया। आगे बढ़ाइए, तो आगे बढ़ाइएगा तो 3/4 यहाँ पे साइन क्या क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस पहले यहाँ लिख देता हूँ, कॉस कितना है भाई 2x प्लस 1 बट्टा में जो सटा है आ जाता है माइनस 1/4, और यहाँ पे कॉस साइन का क्या होगा माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस कितना लिखा है 6x प्लस 3 और प्लस में हो जाएगा सी, और जो सटा होता है x में वो बटा में आता है, तो आपका हो जाएगा 3/4×8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस 6×4 कितना हो जाएगा 24, 1/24 कॉस 6x प्लस 3 प्लस सी। तो दोस्तों यही इसका आंसर यही हो गया, तो इसका दोस्तों यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 का सॉल्यूशन देखेंगे, ओके। देखिए सिंपल तरीका से साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, ओके। तो हम क्या करेंगे दोस्तों इसको, तो इसमें हम क्या करेंगे साइन को मेरे को मानना है, तो साइन को हम मान लेंगे, तो क्या करेंगे लेट हम मान लेते हैं कि साइन एक्स को हम टी मानते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा अवकल कॉस एक्स, और यहाँ पे डी टी बट्टे डी एक्स, ठीक है अवकलज कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो डी टी बट्टा कॉस एक्स, ओके ये हम मान भरेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, तो यहाँ पे हम जो माने हैं आई इजकल टू कितना लिखा है, इसको साइन एक्स को हमने टी माना था, यहाँ पे टी का पावर 3 हो गया, यहाँ पे कॉस क्यू है ना, तो हम इसको कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख देते हैं, ठीक है। और डी एक्स है तो डी एक्स, अब यहाँ पर डी एक्स का मान पुट करेंगे, थोड़ा एक लाइन बढ़ते हैं इसको, इसको हम डी एक्स के स्थान पे कितना पुट करेंगे भाई, यहाँ पे देखिए डी एक्स के स्थान पे क्या है डी टी बटा कॉस एक्स, तो हम यहाँ पे भर देना है गुना में कॉस एक्स के स्थान पे, ठीक है। डी एक्स के स्थान पे कितना डी टी बटा डी कॉस एक्स बना, इसको हम डी टी लिख देते हैं बटा कॉस एक्स लिख देते हैं, ठीक है डी टी लिख देते हैं, और यहाँ पे बटा में कॉस एक्स, डी एक्स के स्थान पे हमने पुट कर दिया, देखिए डी एक्स के स्थान पे हमने इतना पुट कर दिया, देखिए पुट कर दिया, और प्रकार यहाँ पे साइन था, तो साइन को हमने क्या माना था टी, तो टी का क्यूब हो गया, यहाँ पे क्यूब था तो हमने 1/2 × 1/cos x ले लिए, ये दोनों क्या हो गया कट गया, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा टी क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं 1 − sin²x लिख सकते हैं यहाँ पे डी टी, और यहाँ पे हम आपको बता दें कि टी का क्यूब और यहाँ पे 1 और साइन का क्या माने थे टी माने थे स्क्वायर है तो स्क्वायर डी टी, ठीक। और यहाँ पे देख लीजिए साइन को हमने क्या माना था टी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या भर दिया टी, अब इसको गुना कर लीजिएगा तो टी का क्यूब में 1 से तो टी का क्यूब हो गया माइनस टी का स्क्वायर में टी के पावर 3 से करेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 डी टी है तो डी टी, अब इसको हम दो पार्टों में तोड़ लेंगे तो क्या हो गया टी का क्यूब डी टी माइनस टी के पावर 5 डी टी, इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो टी के पावर 3×1 4/4 माइनस यहाँ पे टी के पावर कितना हो जाएगा 5×1 6/6 प्लस सी, अब यहाँ पे टी का मान पुट कर देंगे यही इसका आंसर हो जाएगा, टी का मान क्या माने थे साइन माने थे एक्स, पावर 4 है तो पावर 4, ठीक है।
देखिए कैसे होगा, इसको देखिए एक लाइन बढ़ा के बताते हैं। देखिए कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे टी का मान हम कितना मानते हैं, साइन एक्स, ठीक। पावर फोर है तो पावर फोर बट्टा में चार माइनस साइन एक्स के पावर सिक्स बट्टा छः प्लस सी। आगे बढ़ाइएगा तो इसको पावर फोर हो जाएगा, यानी साइन पावर फोर एक्स बट्टा चार माइनस साइन के पावर सिक्स एक्स बट्टा में छः प्लस सी, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग इतना ही प्रश्न का आंसर देखेंगे।